टॉप 4 बेस्ट मोटोरोला स्मार्टफोन्स एंड एट 10,000 रुपीज। वैसे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर मोटोरोला की तरफ से कोई भी नया स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए ऐसे 3 स्मार्टफोन पिक किए हैं जहां पर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, दमदार फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये सभी स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी भी हैं। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उन यूजर्स की जिनका बजट लगभग 7,000 से 8,000 रुपए का है और उन्हें मोटोरोला की तरफ से कोई अच्छा सा स्मार्टफोन परचेस करना है, क्योंकि और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो का G04। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी पर मिल जाता है, प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको दिया गया है और हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। सो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी फोन की काफी अच्छी है, और वैसे ये फोन 8mm की थिकनेस और 178 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा और काफी लाइट वेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो फोन के अंदर लगी हुई 6.56 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल जो कि पंच होल के साथ में आती है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही में पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है और 537 निट्स की आपको यहाँ पर पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई खास दिक्कत नहीं आती। वैसे आपको बता दूं कि 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिल जाएगी। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं कैमरास की तरफ। तो दोस्तों इस फोन के बैक साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया जो कि F2.2 अपर्चर के साथ में आता है, और सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर HDR वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है, और फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी स्नैपर जो कि F2.2 अपर्चर के साथ में आता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर कैमरा सेटअप फोन का ठीक है, और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी आपको इस प्राइस के हिसाब से अच्छी मिल जाती हैं, और साथ ही आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है अप टू 30 FPS, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 NM बेस MediaTek Helio T606 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा पुराना चिपसेट है, लेकिन आपको लगभग 2,20,000 के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर देता है, तो चिपसेट तो काफी अच्छा है, लेकिन काफी लोग इस चिपसेट को पसंद नहीं करते। बट आपको बता दूं दोस्तों कि डेली यूजर्स में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है, और आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको देता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, और ये फोन 20W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलेगा। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, 3.5mm का जैक दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीकर्स के साथ में एक अच्छा खासा डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही में आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी कमाल की मिलती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जहां पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, यहां पर आपको 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सो देखा जाए तो ये भी बहुत ही कमाल की बात है। अब बात कर लेते हैं फोन की प्राइसिंग की। तो 464 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 6,999 रुपए। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग फोन है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। यूजर्स की जिनका प्राइस 9,000 रुपए ही है और वो अपने प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो G24 पावर। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा, हालांकि आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग दी गई है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। साथ ही ये फोन 9mm की थिकनेस और 197 ग्राम का है। सो देखा जाए तो फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिल जाती है, और हाँ दोस्तों इन हैंड में भी फोन काफी अच्छा रहता है। तो चलिए बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर 6.56 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल लगी हुई है, जो कि यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आती है, और यहाँ पर आपको 537 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिलता है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको मिलेगा। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी आपको मिल जाती है, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात यहाँ पर इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज वगैरह अच्छी निकल कर आती है,
और आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से कुछ नए अपडेट्स भी देखने को मिले, जहाँ पर आपको पंचर कलर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो दोस्तों फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओल्ड प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि 12 NM बेस MediaTek Helio G85 चिपसेट के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जो कि अराउंड आपको यहाँ पर 2 से 2.25 लाख के आसपास Antutu स्कोर निकाल कर देता है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर आम वाली G52 MC2 का 2 कोर का GPU दिया गया, जो कि आपको मीडियम लेवल की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको मिलेगा, तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, और जो कि 30W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर 1.5 से 2 दिन का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लें। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, और अच्छी बात यह कि आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट दिया गया है। तो भाई कंटेंट वॉचिंग के लिए यहाँ पर ऑडियो आउटपुट काफी कमाल की है, ये अच्छी बात है। इन सभी के अलावा ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, और यहाँ पर आपको 3 साल के गारंटीड सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो काफी प्रॉमिसिंग फोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज आपको मिलती है, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 8,999 रुपए। तो 9,000 में देखेंगे तो अच्छी डील है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन हम रखा हुआ यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो G34 5G। बात करें इस फोन की तो डिजाइन आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह वैसा ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर वेगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलेगा। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन 8 mm की थिकनेस और 183 grams के साथ में आता है। और रही बात इन हैंड फीलिंग की, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले। रही बात फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 inches की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 580 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो थोड़ी सी डिसेंट है। अगर यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी होती। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 MP का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 MP का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 MP का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है, और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट टाइप के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो कलर को इनहेंस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स और काफी सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप अपनी फोटो क्वालिटी को और इनहेंस कर सकते हैं। रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 619 का GPU। और अच्छी बात यह कि स्मार्टफोन Antutu पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन है, और इसी के साथ में आप यहाँ पर हाई लेवल की सेटिंग पर भी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों काफी अच्छा फोन है। अब बात करते हैं पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, और 20W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा। चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिलती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जिसके आउटपुट दोस्तों डेफिनेटली अच्छे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया, और आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, साथ ही IP52 रेटिंग के साथ में आता है, तो हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा।
और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन VoNR के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि आप यहाँ पर 5G पर वॉइस कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट दिया गया है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपए, वहीं पर स्मार्टफोन के 8 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,999 रुपए आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।